नमस्कार दोस्तों, एक और नए सीरीज की एक और इंटरेस्टिंग टॉप क्लैश वर्ल्ड कप का प्रिपरेशन जो कह लीजिए वो सीरीज स्टार्ट होने वाली है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों टीमों के चेंजेस काफी सारे हो सकते हैं रेगुलर 11 से। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो है अपने प्रीमियम चार पांच खिलाड़ी को जो रेस्ट दे रही है, जैसे कि आपके मिचेल स्टार, पैट कमिंस, एडम जेम्पा, जॉस हेजलवुड, ये सब बॉलर्स को जो है रेस्ट दे रही है, साथ में मैथ्यू वेड भी नहीं है। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है। इंग्लैंड की तरफ से कई सारे प्लेयर्स प्लेइंग 11 में वापसी कर रहे हैं। जॉस बटलर हो गए, लियम लिविंगस्टन हो गए, या फिर क्रिस जॉर्डन कह लीजिए, ऐसे तीन चार पांच खिलाड़ी जो है आपको टीम में वापसी कर रहे हैं एक तरह से प्लेइंग 11 का हिस्सा। बेन स्टोक्स भी उनमें एक है। तो ये सारे प्लेयर्स वापसी कर रहे हैं स्क्वाड में, और एक तरफ जो है पहले T20, सिर्फ पहले T20 आई के लिए ऑस्ट्रेलिया ने इन चारों खिलाड़ी को रेस्ट, चार पांच खिलाड़ी को रेस्ट दिया है। दूसरे T20 और तीसरे T20 में वापसी कर लेंगे। तो इस मैच में आपको किसको किसको अपनी टीम में रखना है, किसको नहीं रखना है, साथ ही में आपके कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी पिक्स कौन से रहेंगे, या फिर आपके यू नो हेड टू हेड कैसे हैं दोनों टीमों के बीच, पिच रिपोर्ट कैसी है, आपको ड्रीम इलेवन की टीम कैसे बनानी है स्मॉल लीग हेड टू हेड ग्रैंड लीग के लिए, सब डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, शेयर कमेंट तो कीजिएगा ही, साथ में नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिएगा। चलिए बात करते हैं इस मैच की। तो ये है ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, पहला T20 आई 9 अक्टूबर दोपहर में 1:40 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से खेला जाएगा। आपके लिए क्रूशियल टाइम है 1:10 का जब टॉस होगा, क्योंकि पहला मैच है सीरीज का और काफी सारे नए नाम, नए तो नहीं कहूंगा बट हाँ काफी सारे रिप्लेसमेंट्स हैं, काफी सारे प्लेयर्स वापसी कर रहे हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन कैसी देखने को मिलेगी पहले मैच के लिए वो काफी अलग सलग हो सकती है। इसलिए कुछ एकाध चेंजेस या एकाध प्लेयर्स जो है हमारे इससे शायद मेल ना खाएं, तो वो आपको अपडेट करने पड़ेंगे टॉस के बाद। और टॉस के बाद नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेगी, हमारे ऐप के थ्रू। हमारा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, तो उसके थ्रू हम आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे 1:12 के आसपास, तो आपकी लाइफ जो है ना बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी। बाकी ये सारे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन तो आपको मिलेंगे जो इस मैच की एकाध टीम बनाने के लिए, स्ट्रैटेजी फॉर्म करने के लिए इनफ है, लेकिन आपको मल्टीपल टीम्स चाहिए, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं www.fantasygully.com, उसको चेकआउट कीजिए, आपको बहुत कुछ डिटेल मिलेगा वहां पे, आपकी लाइफ फैंटेसी गेमिंग के हिसाब से इजियर हो जाएगी। डेविड वार्नर, कैमरन ग्रीन, जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, ये चार खिलाड़ी आपके टॉप फैंटेसी पिक्स में रहेंगे। अब इसके अलावा आपको बहुत सारे डिटेल्स और चाहिए होंगी, जैसे कि आपके यू नो प्लेयर बैटल्स क्या हो गए, या फिर आपको हेड टू हेड कैसी है, या फिर आपके मान लीजिए इसमें आपको कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी, या फिर आपको हेड टू हेड स्मॉल लीग की टीम या फिर ग्रैंड लीग की टीम, सारा डिटेल आपको देंगे हम। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, हम मिलते हैं इंट्रो के बाद में। नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक कुमार के लिए फिर सबका स्वागत करता हूं इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां पे हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की। अब अंतर्राष्ट्रीय मैच इस मैच का आपको क्या लेखा जोखा है, पिच रिपोर्ट कैसी है, सब जानते हैं। सबसे पहले उसी की तरफ चलते हैं, पिच एंड कंडीशंस कैसे है। वेन्यू जो है पर्थ स्टेडियम है, पर्थ का दूसरा वाला स्टेडियम है, जो वाका वाला है वो वाला नहीं है, पर्थ स्टेडियम। पिच बैटिंग फर्स्ट, ये आपको T20 में काफी कम देखने को मिलता है, बैटिंग फर्स्ट पिच पर ये है, जो यहाँ पे बिग बैश खेला गया था, बिग बैश का रिकॉर्ड पिछले 5 मैच का 4-1 इन फेवर ऑफ, मतलब 5 में से 4 मैच जो बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है, 150-155 का स्कोर आप पार कर लेते, उसके बाद ये इस पिच पे डिफेंड करना बहुत ईजी हो जाता है। मतलब अमूमन 155 पार करने के बाद टीमें डिफेंड कर लेती है यहाँ पे 80% ऑफ द टाइम्स, तो आप समझ सकते हैं कि पिच जो है बैटिंग सेकंड के लिए उतनी फ्रेंडली नहीं है। बैटिंग फर्स्ट में इजी रहती है, बैटिंग सेकंड में पिच थोड़ी सी डगमगा जाती है। वहां पे आप बैटिंग फर्स्ट अनुमान जो टीम बैटिंग फर्स्ट करने वाली है उसके आप 6 खिलाड़ी को चूज कर सकते हैं, वो यहाँ पे एक टिप थी, एक स्ट्रेटेजी थी। बाकी वेदर रिपोर्ट के हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है थ्रू आउट द मैच, बारिश की संभावनाएं कम है। बाकी बैटिंग रिकॉर्ड 164 का दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बैटिंग फर्स्ट जो टीम करेगी वो 180 के आसपास का स्कोर देख सकती है अपने नजरिए में, और फास्ट बॉलिंग यहाँ पे प्रेफरेबल चॉइस है, स्पिनर्स उतना नहीं अच्छा करते यहाँ पे जनरली, और आप चाहें तो इसके स्पिनर्स को स्किप भी कर सकते हैं इस मैच के लिए खासतौर से। तो ये पिच एंड कंडीशंस थी, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग टीम की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं।
बाकी हेड टू हेड कैसे, हेड टू हेड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का बहुत क्लोज है ओवरऑल देखें तो, लेकिन पिछले पांच में इंग्लैंड जो है डोमिनेट कर रही है 4-1, और खासतौर से इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के मेन जो है बॉलिंग खासतौर से स्क्वाड जो है वो अवेलेबल नहीं, और मैथ्यू वेट जो बहुत खतरनाक फॉर्म में वो भी नहीं है स्क्वाड का हिस्सा, तो शायद ये वाला भी जो है ये 4-1 के जगह ये जो है आपको 5-1 दिखाई देगा पिछले छह मैच का, वो आप शायद इस मैच के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पहले मैच में कोई अवेलेबल नहीं ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 में, सेकंड मैच में ऑस्ट्रेलिया सेकंड और थर्ड मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के काफी सारे प्लेयर्स वापस आ जाएंगे जो मेन स्टेज है, उसके बाद शायद आपको हालांकि इस मैच में भी कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है लेकिन अगला मैच जो होगा उसमें ज्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है। इस मैच में आपको फैंटेसी पॉइंट्स बटोरने के नजरिए से काफी ईजी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की 11 कैसी दिख सकती है इस मैच के हिसाब से, मतलब इस मैच में जो प्लेयर्स अवेलेबल है उसके हिसाब से, वो है डेविड वार्नर, कैमरन ग्रीन, मिचेल मार्श, एरन फिंच, मार्कस टोनिस, टिम डेविड, जॉस इंग्लिश है मैथ्यू वेट की जगह, शॉन एबट खेल सकते हैं, मिचेल स्वेप्सन, केन रिचर्डसन, नेथन एलिस, ये जो है इनकी स्क्वाड है। अब मेन प्लेयर्स नहीं भी रहने के बावजूद काफी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, काफी सदी भी बैलेंस स्क्वाड है इनकी, बस आपको देखना है कि इसमें से टॉप फैंटेसी प्लेयर्स आपके निकल के कौन से आएंगे जो आपके ड्रीम 11 टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो बाकी प्लेइंग स्टाइल यहाँ पे दी हुई, एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स पिछले 10 मैच का इस फॉर्मेट में T20 फॉर्मेट में, T20 अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में जो शायद डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो मिला के पिछले 10 मैचेस का एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स जो है वहां पर दर्शाया गया है। बाकी रन आपको लास्ट 5 के दिए हुए हैं, विकेट आपको लास्ट 5 के दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप टीम की एक स्ट्रैटेजी एक अपफ्रंट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि ये कम से कम मुझे इतना डिटेल्स तो पता है और इसके अलावा हमने बहुत सारी और रिसर्च की है, वो आपको धीरे धीरे करके अनवाइंड कर सकते हैं। बाकी इंग्लैंड की 11 जो है आपको यहाँ पे ये रही, फिलिप सॉल्ट, जॉस बटलर, डेविड मिलान, लियाम लिविंगस्टन, बेन स्टोक्स, मोइन अली। अब सैम करन के एक क्रिटिकल सिचुएशन है कि क्रिस जॉर्डन को खिलाएं या सैम करन को खिलाते तो बॉलिंग तो आपको मिल रही है बट बॉलिंग डेथ बॉलिंग का थोड़ा सा इश्यू आ सकता है लेकिन बैटिंग आपको बेहतर मिलेगी। क्रिस जॉर्डन खेलेंगे तो आपको डेथ बॉलिंग मिल सकती है उनके थ्रू और बैटिंग की थोड़ी सी यहाँ पे सैम करन से कम मिलेगी मेरे ख्याल से स्टैटिस्टिकली। तो ये आपको इफ्स एंड बट्स में इंग्लैंड रहेगी और किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना वो एक संशय रहेगा उनके दिमाग में। तो सैम करन खेल सकते मतलब मोस्ट प्रोबेबल है कि सैम करन खेलेंगे, अगर क्रिस जॉर्डन खेलना भी है तो उनको शायद रिस टॉपिक की जगह या फिर रिस टॉपिक की जगह मेरे ख्याल से वो आ सकते हैं। दूसरा एक छोटा सा चांस है कि फिलिप सॉल्ट की जगह एलेक्स हेल्स जो है वो खेल ले, ये एक आध चेंजेस मेरे ख्याल से हो सकते हैं स्क्वाड में, तो आप एक बार टॉस के बाद जो हम नोटिफिकेशन भेजने वाले उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बाकी ये आपकी स्क्वाड ऐसी एक स्क्वाड देखने को मिल सकती है। बाकी प्लेइंग स्टाइल एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स रन और विकेट, सबसे बड़ी बात है जॉस बटलर की वापसी, जॉस बटलर इस मैच में खेलेंगे ये मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स जितने भी रिपोर्ट्स हमने पढ़े हैं अभी हाल फिलहाल में जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं सबके अकॉर्डिंग जॉस बटलर पहले मैच के लिए अवेलेबल है, फिट है और खेलने वाले हैं, ये आपको देखने को मिल सकते हैं खेलने के लिए प्लेइंग 11, तो वो आपके लिए क्रूशियल पिक बन सकते हैं एज फार एज फैंटेसी गेमिंग इज कंसर्न्ड। बाकी आपकी ये 11 तो देख लिया आपने, अगर आपको यहाँ पे डेटा स्टैट्स देखने में कुछ दिक्कत है कुछ परेशानी आ रही तो आप पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं या फिर आपको इस स्लाइड की इस पीपीटी की जो है लिंक आपको कमेंट सेक्शन में डाल दी जाएगी, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी खुद भी बना सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आप कैसे, उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आप लो टू मीडियम रखिए और हाँ कॉन्टेस्ट आप सही से चूज कीजिए, कॉन्टेस्ट यानी कि लीग्स आप सही से चूज कीजिए, आप स्मॉल लीग हेड टू हेड में ज्यादा टीमें लगाइए, ग्रैंड लीग में एक आध टीम आप ट्राई कर सकते हैं बट आप स्मॉल लीग हेड टू हेड की तरफ ज्यादा तवज्जो दीजिए क्योंकि उसमें विनिंग परसेंटेज विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है 50-70% रहता है, ग्रैंड लीग में 0.01% रहता है, वहां पे क्या स्टैट्स एक लेवल तक काम आते हैं, उसके बाद ब्लड फैक्टर उसके बाद गट फीलिंग ये सभी काम आती है, तो हम जितना स्टैट्स प्रोवाइड कर जितनी स्टैट्स यूज कर सकते उतना कर रहे हैं आपके लिए बट उस ग्रैंड लीग में थोड़ा रिस्क तो रहता है, वहां पे आप जीतने का परसेंटेज जो है काफी कम रहता है काफी लो रहता है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही रिस्क लीजिए। बाकी आपको जो कॉन्टेस्ट सुटेबल लगता है आपके बजट के अकॉर्डिंग आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग वो आप खेलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट हाँ फैंटेसी को गेमिंग की तरह खेलिए, लत मत बनाइएगा। अभी जो आप टीम बनाएंगे उसके लिए ऑलरेडी ऑल द बेस्ट। चलिए अब हम अपनी टीम देखते हैं कैसी दिख रही है। अब टीम डिस्कस करें उससे पहले आपसे वापस से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
विकेट कीपर तो जॉस बटलर, बैट्समैन लैम लिविंगस्टन, मिचेल मार्श, डेविड वॉर्नर, टिम डेविड, ऑलराउंडर्स में कैमरन ग्रीन, बेन स्टोक्स, मोइन अली, बॉलर्स में केन रिचर्डसन, मार्क वुड, लेथन एलिस, ये आपकी 11 देखने को मिल सकती है स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए, ग्रैंड लीग के लिए नहीं, स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए हमारे हिसाब से ये एक स्क्वाड बन सकती है आपके लिए। और यहाँ पे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन जॉस बटलर, लियाम लिविंगस्टन, टिम डेविड और कैमरन ग्रीन, आपको ये चार ऑप्शन जो है देख सकते हैं कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी ऑप्शन का, एज फार एज स्मॉल लीग और ग्रैंड स्मॉल लीग और हेड टू हेड का जो ये कॉम्बिनेशन है उसमें आप ये चारों को ट्राई कर सकते हैं। अब चारों को ट्राई तो कर सकते हैं, आप क्यों ट्राई करेंगे, जॉस बटलर काफी अच्छे फॉर्म में थे, अब चोटिल है, वापस आएंगे, शायद उतने अच्छे फॉर्म में रहे नहीं रहे, वो एक दूसरी बात है। बाकी लियाम लिविंगस्टन डुअल डायमेंशन प्रोवाइड, हालांकि यहाँ पे बैट्समैन है बट ये डुअल डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं, आपको बैटिंग तो आते ही है बट बॉलिंग इनकी लेग ब्रेक जो है काफी इफेक्टिव रहती है, और इस पिच पे भी हालांकि स्पिन उतनी इफेक्टिव ना रहे बट इनकी जो पार्ट टाइम बॉलिंग है वो एक आध ब्रेक थ्रू दिला सकती है, वो एक फैक्टर है वहां पर प्ले करता है। टिम डेविड काफी अच्छे फॉर्म में है, आपके कैमरन ग्रीन तो अपने अपने पर्पल पैच में है, वो उनकी बॉलिंग आपको मिलेगी अच्छी खासी और बैटिंग ओपनिंग में आ रहे हैं फिलहाल, तो वो आपको दोनों डायमेंशन से पॉइंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बनते हैं स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए। बाकी ग्रैंड लीग की अगर बात करें तो ग्रैंड लीग में आपकी टीम ये रही, आपको ये टीम ट्राई कर सकते हैं, विकेट कीपर्स में फिलिप शॉट अगर खेल रहे हैं तो एलेक्स हेल्स के खेलने के चांसेस भी हैं, आप वो आपको उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, फिलिप शॉट अगर खेल तो फिलिप शॉट को आप ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए। बैटर्स में डेविड मिलान, डेविड वॉर्नर, एरन फिंच, टिम डेविड हो गए, ऑलराउंडर्स में कैमरन ग्रीन, बेन स्टोक्स, बॉलर्स में आप बॉलर्स केन रिचर्डसन, मार्क वुड, नेथन एलिस और क्रिस वोक्स, आप चार बॉलर्स ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें ग्रैंड लीग में खासतौर से कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन कौन से हैं आपके, आप फिलिप सॉल्ट, डेविड वॉर्नर, बेन स्टोक्स और केन रिचर्डसन, ये चार ऑप्शन आपके ग्रैंड लीग के लिए। केन रिचर्डसन क्यों है, क्योंकि केन रिचर्डसन जो है वो बॉल जब विकेट्स लेते हैं तो लमसम में विकेट लेते हैं, रिस्की है, रिस्कियर ऑप्शन है, लेकिन जिस मैच में विकेट देखिए, जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको यहां पे, केन रिचर्डसन जिस मैच में विकेट नहीं लेंगे जीरो विकेट है, जिस मैच में विकेट नहीं चार विकेट भी निकाल सकते हैं, तो रिस्कियर है थोड़े बट ये विकेट टेकिंग बॉलर है, तो आपके लिए काफी अच्छा एक क्रूशियल पिक बन सकते हैं अगर इनका दिन रहा तो। थोड़े रिस्क जैसे जैसे कि हम कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, उस हिसाब से आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपके कैप्टन से बात करते हैं चार है, आप मल्टीपल टीम्स बनाए, मल्टीपल कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हैं, मान लीजिए एक टीम आपने ट्राई की फिलिप सॉल्ट और आप ट्राई करें डेविड वॉर्नर, दूसरी टीम आपने ट्राई किया बेन स्टोक्स, तीसरे टीम में आपने ट्राई किया डेविड वॉर्नर, केन रिचर्डसन, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का। होपफुली जब आप इस मैच के लिए टीम बनाएंगे आपकी बहुत अच्छी रैंकिंग्स, बहुत अच्छी विनिंग्स होंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे कहूंगा कि आप प्लीज www.fantasyclay.com हमारा वेबसाइट उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा, साथ में हमारा ऐप है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक देम आउट, आपकी लाइव फैंटेसी गेमिंग के नजरिए से काफी सहूलियत हो जाएगी। बाकी ये सब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, खासतौर से टेलीग्राम का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, पहला लिंक जो है वो टेलीग्राम का ही दिया हुआ है, उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा, हम डेली अपडेट्स वहां पर फिर डालते रहेंगे। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर कमेंट आप करेंगे ही, साथ ही नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिएगा। मैं रौनक कुमार, अलविदा कहता हूं, नेक्स्ट टाइम मीट।